फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जिसे आप तीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। तीनों ही तरीके आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और दोस्तों, इस प्रोडक्ट को यूज करने वाला हर एक इंसान आप ही से इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया दोस्तों जो हमेशा चलने वाला, साल के 365 दिन चलने वाला, कभी भी इसकी डिमांड खत्म नहीं होती है। और दोस्तों, आप इस बिजनेस के अंदर एक मास्टर आदमी बन सकते हैं। और दोस्तों, आपके पास में बिल्कुल भी बजट नहीं है तो मात्र 50 रुपए से भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और इस बिजनेस से कम 2 से 3 लाख रुपए आप हर महीने कमा सकते हैं। तो मैं दोस्तों आप लोगों को सारे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आप इस बिजनेस को तीन तरीके से शुरू कर सकते हैं। थर भगाने वाला प्राकृतिक घरेलू तरीका सिखाऊंगा इस प्रकार से। हमारे वीडियो में देख लीजिए, ये है पौधे और इससे घरों से आप मच्छर बहुत आसानी से भगा सकते हैं। गाइस, यह वीडियो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि कोई भी जानकारी जो होती है व्यर्थ नहीं जाती। अभी नहीं तो बाद में चल करके आपको फायदा पहुंचाएंगे, यानी कि काम आएंगे, लेकिन जो जानकारी होती है हमेशा यूजफुल होती है, बाद में चल करके काम आते हैं, फायदेमंद साबित होती है। देखिए, अभी मच्छरों का घरों में इतना ज्यादा आतंक बना हुआ है कि जिसके वजह से सभी की मैं बात करूं, रात में अच्छी से नींद नहीं आती। मैं बताना चाहूंगा, मच्छर भगाने के लिए हम फटाफट तो मार्केट में मिलने वाले क्वाइल जला लेते हैं, अगरबत्ती ले आते हैं, घरों में इसका धुआं दिखा देते हैं, इससे मच्छर भग भी जाते हैं, बहुत सारे मच्छर मर भी जाते हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर देखने को मिलते हैं। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं, इसलिए यह वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखें। अगर आज की यह वीडियो मिस कर दिए तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि जो आप मच्छर भगाने के लिए इस कॉइलों को जलाते हैं, इस कहा जाए अगरबत्ती को जलाते हैं, इसके एक धुआं 100 सिगरेट पीने के बराबर होता है। और हमारे घरों में मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे रहते हैं जिसके शरीर पर इस धुआं का कितना बुरा असर पड़ता होगा आप सोच सकते हैं। इस धुआं से कैंसर जैसा भयानक बीमारी भी हो सकते हैं। और ये जो मच्छर भगाने के लिए हम क्वाइल जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं ना, ये बहुत सारे देशों में बंद है और हो सकते हैं हमारे इंडिया में भी कब बंद हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कितने दिनों तक आप इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, कितने दिनों तक आपको इसके ऊपर निर्भर होना है। इसलिए दोस्तों, नेचुरल तरीका करें मच्छर भगाने के लिए, किसी भी प्रकार के सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि बहुत सारे देशों में बैन हो चुका है और हो सकता है हमारे इंडिया में कभी भी बैन हो जाए। तो इसके ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना है, खुद का प्राकृतिक तरीका करना है। तो मच्छर भगाने के लिए क्या करना है देख लीजिए इस प्रकार से। ये है मरुआ का पौधा, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। तो मरुआ के पौधा का कौन से हिस्से का प्रयोग होता है मच्छर भगाने के लिए, आइए जानते हैं। ग्रामीण इलाकों में इसका प्रयोग आज भी होता है। वीडियो इतना ज्यादा फायदेमंद है, इतना ज्यादा यूजफुल है कि यह जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। मच्छर भगाने के लिए प्रायः हर व्यक्ति या तो मोर्टिन का प्रयोग करते हैं, मच्छर भगाने वाले क्वाइल जलाते हैं, मच्छर भगाने वाले अगरबत्ती जलाते हैं। सावधान सतर्क हो जाए, इससे कैंसर जैसे भयानक बीमारी होने का खतरा रहता है। ये मरुआ देख रहे हैं ना, इसके पूरे पेड़ को, इसके पूरे शाखा को, पंचांग को उखाड़ करके ले आए, इसका रस निकाल ले और इसका रस का छिड़काव आप अपने घरों पर करें। दूसरा, अगर आपके घरों के पास में नाली है जहां पे सबसे ज्यादा मच्छर भिन भिन आते रहते, वहां पे इसका रस डाल दे, बिल्कुल ही मच्छर वहां से भग जाते हैं, क्योंकि इससे काफी बदबूदार दुर्गंध निकलती है जिससे मच्छर बर्दाश्त नहीं कर पाते। और ये पौधा देख रहे ना, ये तुलसी के पौधे की तरह दिखते हैं, लेकिन यह तुलसी का पौधा नहीं है। एक होता है तुलसी, एक होता है श्यामल तुलसी, बन तुलसी, और एक जो होता है दवना होता है। तो ये सेम ही प्रजाति का है समझ जाइए, लेकिन थोड़ा सा हट करके है, ये मरुआ है। ये पहला प्रयोग है मच्छर भगाने। ये दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस तरीके से भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर मच्छरों को भगाना चाहते हैं तो बस घर पर बनाएं उनको भगाने का रिफिल, है ना, सुनकर हो गए ना हैरान। इन दो चीजों को अगर आप मिला लोगे तो आप इजिली अपने घर के सारे मच्छर को दूर भगा लोगे। स्पेशली लॉकडाउन टाइम पे हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मच्छर हमारा पीछा नहीं छोड़े। गर्मी का मौसम शुरू हुआ नहीं कि मच्छरों ने हम पे हमला बोल दिया और वो हमें चिपकने लगते हैं, फिर काटने लगते हैं और फिर हम घंटों उस जगह पर खुजलाने लगते हैं। खुजलाने के बाद हमारी वो जगह सूज जाती है और बहुत दर्द करती है, खास तौर पर रात को सोना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल मत परेशान होइए, क्योंकि बहुत सारे लोग मच्छरों से दूर रहने के लिए बाजार से बहुत तरह के केमिकल, स्प्रे, अगरबत्ती, बहुत कुछ नया ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे मच्छर तो भागते हैं, लेकिन जो उनकी स्मेल होती है ना, उससे बूढ़े और घर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर ऐसा नुस्खा जिससे आप आसानी से बनाकर अपने
घर के मच्छरों को दूर भगा सकते हैं और अपनी हेल्थ भी मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको लेनी है 4 से 5 टिकिया कपूर की, जो आपको इजीली आपको परचून की दुकान से मिल जाएगी, कोई झंझटबाजी भी नहीं, ठीक है ना। उसके साथ आपको लेना है नीम का तेल, जो आपको परचून की दुकान से इजीली मिल जाएगा। अब क्या करना है, आपने जो आपके घर पे कोई भी लीक्विड वाली शीशी है जो खाली हो गई होगी, उसको आपको खोलना है, उसको नीम के तेल से भर लेना है, उसमें आपको 4-5 टिकिया कपूर की कूट कर डाल देनी है। बस उनको अच्छे से मिक्स करना है और रात को उसको सोते समय लगा देना है। तो यहाँ पर आपका रेडी है बेहतरीन वाला होममेड लीक्विड, सिर्फ 2 चीजों को मिलकर बना है, और ये आपकी हेल्थ भी मेंटेन रखेगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी देगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कपूर का इस्तेमाल हम पूजा के समय करते हैं, और नीम का तेल ये आपको रोगों से लड़ने की क्षमता भी देगा। तो बस आपके मच्छर भी। फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा तरीका है, आप इस तीसरे तरीकों को भी देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो हजारों तरह के प्रोडक्ट हमें बाजार में मिल जाते हैं मच्छर मक्खी आदि कीटों को मारने और भगाने के लिए, पर इन सभी प्रोडक्टों में बहुत तीव्र मात्रा में कीटनाशक मौजूद होता है, जो हमारे श्वसन तंत्र को सीधे नुकसान पहुंचाता है, जिस कारण हमें खांसी, नजला, जुखाम, दमा, सांस फूलना, इसी तरह के अनेकों गंभीर रोग हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप मच्छर आदि कीटों को मारने भगाने की इलेक्ट्रिक रिफिल कॉइल, फास्ट कार्ड आदि बाजार से महंगे दामों पर खरीदते हैं, और इनसे हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अब आपको यह दवाई बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इनसे भी बेहतर और उत्तम क्वालिटी की मच्छर मक्खी आदि कीटों को भगाने मारने की दवाई घर पर ही बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, पूरी तरह से हर्बल और आयुर्वेदिक। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और साथ में लगा घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह दवाई बनाने के लिए हमारे पास नीम की ताज़ी पत्ती होनी चाहिए। इन पत्तियों को निकाल कर हम एक मिक्स के जग में डाल लेते हैं, ठीक है। और जग में डालने के बाद देखिए, मैं इसको तोड़ के नीम के जग में डाल रहा हूँ, और इसके बाद हमें देखिए मैंने डाल लिया है। अब इसके बाद देखिए मैं इसमें पानी डाल लेता हूँ, और पानी डालकर हमें इसको पेस्ट बनाना है, इसको पीस लेना है मिक्सी की सहायता से, ठीक है। तो मैं इसको पेस्ट बना लेता हूँ। दोस्तों, यह बहुत ही उत्तम क्वालिटी की दवाई बनेगी, आप इसे देखते रहिए। अब मैं इसको एक छलनी में छान लेता हूँ। देखिए, आप इसको बहुत बारीक पेस्ट बनाना है, जो छलनी में आराम से छल जाए, जितना पीस सकते हैं आप उतना पीसिए। अब छलनी की सहायता से हम इसको छान लेते हैं, और छानने के बाद में अब हम इसको कुछ देर पकाएंगे। देखिए, यह पूरी तरह पक जाना चाहिए, इसमें खदा लगना, जैसे चाय उबलती है इस तरह इसको उबलना चाहिए। इसकी नीम की खुशबू उबलने के साथ भी देखिए आ रही है, कड़वी कड़वी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से भी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। हमें इसमें और भी कुछ डालना है, वीडियो को देखते रहिए। अभी हमें इसमें और भी कुछ डालना है। देखिए, अब मैं इसको हिला रहा हूँ, यह पक रहा है, और इसको तब तक पकाना है जब तक यह पूरी तरह उबल ना जाए, इसमें से कड़वी कड़वी खुशबू आने ना लगे, ठीक है। देखिए, मेरे पास कागज़ में मैंने पीस कर रखा है दूसरी वस्तु, जिसको हम कहते हैं कपूर। देखिए, मैंने इसको पीस कर रख लिया है, अब मैं इसको इसमें डालने वाला हूँ। देखिए, मेरे हाथ में कपूर है, मैंने जो बारीक पीसा हुआ है, अब मैं ये उबल चुकी है दवाई, अब मैं इसको इसमें कपूर को इसमें डाल देता हूँ, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हिला देता हूँ, इसको खूब मिला देता हूँ। कपूर गर्म होने की इसको ये पानी जो गर्म हो रहा है इसमें घुल जाएगा अच्छी तरह से। और अब मैं इसको देखिए, आप इसको किसी जग की सहायता से ले करके आप इसको किसी बोतल में डाल लीजिए, और जितना मर्जी आप इसको डाल के बोतल भर लीजिए, और यूज करते रहिए। कहीं पर छिड़काव कर दीजिए, या आप इसको रिफिल में डालिए, इलेक्ट्रिक रिफिल जो होता है। हम इसको भर लेते हैं, और इसको भरने के बाद में हमें इसको जहाँ पर हम इसको लगाते हैं अपने इलेक्ट्रिक बोर्ड में, वहाँ पर इसको लगा देंगे। इसकी खुशबू से, यह इतनी बेहतर खुशबू होगी कि इसकी खुशबू से मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े कुछ भी आपके कमरे में आपके आसपास नहीं रहेंगेगा। दोस्तों, यह फ्री की दवाई है, नीम हमें फ्री में मिल जाता है, और थोड़ा कपूर, सिर्फ हमें थोड़ा कपूर ही लेना पड़ता है बाज़ार से। वो 10-5 रुपये का आप लेकर एक बेहतरीन दवाई आप बना सकते हैं।
और बची हुई दवाई को आप बोतल में स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े कहीं पर भी आप, देखिए मैंने स्टोर किया है इसको, थोड़ी सी बनाई थी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है। आप जितनी मर्जी मात्रा में नीम के पत्ते लेकर और कपूर लेकर आप इसको बना सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितनी दवाई चाहिए। और आप कहीं भी इसको यूज करें, दिन में चलाएं, रात को चलाएं, आपके घर में कीड़े मकोड़े मच्छर दिखे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड हर जगह पर होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लो क्लास के लोग जो होते हैं वो बड़ी बड़ी इस प्रोडक्ट को नहीं खरीद पाते। तो आप इसे एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू तो कर ही सकते हैं, साथ में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट में हर घर तक आप इसे प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों, आप इसकी खुद से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपको कोई खर्चा भी नहीं आ रहा है और सच में आप इस बिज़नेस से अच्छे खासे इनकम इसलिए कर पाएंगे क्योंकि दोस्तों ये प्रोडक्ट हर एक इंसान की ज़रूरत बन चुका है। और ज़रूरत अगर बन चुका है तो सोचिए अब इससे कितना ज़्यादा पैसा कमा।